क्या हुआ? सोई नहीं अभी तक? As expected. देखो, तुम ना डैड को बहका सकती हो, लेकिन मुझे नहीं. मैं ना तुम्हारी सच्चाई जान के रहूंगा. Oh, really? वैसे कैसे जानोगे तुम मेरी सच्चाई? वैसे सच कहूं तो तेरा शक एकदम सही था. नावेद रो नहीं रहा था और ना ही वो मुझे यहां से ले जाने के लिए आया था. और एक सच बताऊं, नावेद और मेरा डिवोर्स कभी हुआ ही नहीं था. वो आज भी मेरा पति है. वो तो बेचारा मुझे मिस कर रहा था, इसलिए मिलने चला. कौन हो तुम? तुम हमारी लाइफ में आई क्यों? क्या चाहती हो हमसे? फिलहाल तो मैं तुम्हारी मम्मी. वैसे तुम्हें क्या लगता है? मुझसे दूर रहो. फिलहाल ये बताओ, तुम हमसे चाहती क्या हो? तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी. एक बात ना, कान खोल के सुन. हमसे ना तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, समझी? ओए छोटू, मुझे क्या करना है मुझे पता है. इस प्रॉपर्टी को कैसे हथियाना है मैं सब जानती हूँ. तू क्या है? तेरा बाप खुद देगा, समझा? अब जो उखाड़ना है उखाड़. गुड नाइट. और एक नई कहानी. चिराग बेटा, तुम क्या चाहते हो? मैं वृंदा को घर से बाहर निकाल दूं? लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम आखिर चाहते क्या हो. डैड प्लीज ट्रस्ट मी, ये सब उसी ने मुझे कहा है. क्या? किसने क्या कहा? डैड, इस औरत की ना किसी भी बात पर विश्वास मत करना, ये आपको धोखा दे रही है. चिराग, तुम फिर मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो? क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? क्या बिगाड़ा मैंने तुम्हारा? अब बस बहुत हो गया. इस घर में अपनी और बेइज्जती मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती. जा रही हूं मैं. रुको. डैड, लेट गो. ये सब इसका ड्रामा है. बस करो चिराग, इनफ इज इनफ. जा ही रही हूं मैं. वृंदा रुको. वृंदा, तुम कहीं नहीं जाओगी. हेड, आप ये क्या बोल रहे हो? बस करो चिराग, अब वृंदा के खिलाफ एक शब्द भी बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा. गो टू योर रूम नाउ. पराई औरत के लिए आप मुझ पे चिल्ला रहे हो? पराई नहीं है वो, मां है तुम्हारी. ये क्या, आपने अपनी प्रॉपर्टी का 30% हिस्सा मेरे नाम कर दिया? लेकिन मैंने आपसे कब कहा कि मुझे आपकी प्रॉपर्टी का कोई भी हिस्सा चाहिए? ये मैं नहीं ले सकती. और जब चिराग को इसके बारे में पता चलेगा तो उसका शक यकीन में बदल जाएगा कि मैंने सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए आपसे शादी की है. देखो वृंदा, चिराग के सोचने या ना सोचने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. इससे पहले मैंने सारी प्रॉपर्टी उसी के नाम कर दी थी, क्या हुआ? मुझे लगा था कि मेरे बाद he'll take care of you, लेकिन ऐसा कुछ होते हुए नजर नहीं आ रहा. देखो वृंदा, कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं. क्या कर रही हो मेरे कमरे में? पता चला कि नहीं? क्या? देखो, तुम्हारे बाप ने अपनी प्रॉपर्टी का 30% हिस्सा मेरे नाम कर दिया.
व्हाट? क्या हुआ? शॉक लगा? ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पूरी पिक्चर तो तब कंप्लीट होगी जब बाकी का 70% भी मैं अपने नाम करवा लूंगी। लेकिन अब तुम क्या करोगे? क्या होगा तुम्हारा? कितना चीप है यार तू, ऐसे चीटिंग करेगा? ये ले। वैसे ये बच्चे वाले आइडियाज ना मेरे सामने नहीं चलेंगे। लेकिन तू और करेगा भी क्या है, तो तू बच्चा ही। ओ लल्ले स्वीट बेबी। अब चिराग के सामने वृंदा का एक नया ही चेहरा आ गया था, जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक तरफ तो चिराग अपने पिता को वृंदा की सच्चाई बताना चाहता था, लेकिन दूसरी तरफ वृंदा कोई कसर नहीं छोड़ रही थी हर्षद को अपनी बातों के झूठे जाल में फंसाने की। हर्षद को तो इस बात का इल्म भी नहीं था कि वृंदा, जिसे वो अपना जीवन साथी मान रहा है, वो उसे धोखा देने वाली है। क्या चिराग अपने पिता के सामने वृंदा की सच्चाई का खुलासा करने में कामयाब हो पाएगा, या फिर वृंदा उसे नाकामयाब करने के लिए कोई नया जाल बिछाएगी? क्या बात है, आज बड़े खुश नजर आ रहे हो। क्यों नहीं होना चाहिए? आखिर मुझे तुम्हारी बर्बादी का सबूत जो मिला। ओह रियली? जरा मैं भी तो देखूं, ऐसा कौन सा सबूत है तुम्हारे पास जिससे मैं बर्बाद हो सकती हूं? चिराग, प्लीज ये अपने डैड को मत बताना। तुम जो बोलोगे, जैसा बोलोगे, मैं वही करूंगी। और रियली प्लीज मैं फोन वापस से मुझे। लो दिखा दो अपने डैड को। गिरियो छोड़ो मुझे, चिराग मुझे। अंकिल यू, हे चिराग क्या कर रहे हो, हट जाओ। बचा ली डैड, ये ना आपको पता नहीं कितनी खराब औरत है। बचा लीजिए मुझे इससे, ये हद कर दिया जिसने, ये मुझसे जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। डैडी झूठ बोल रही है। तेरी इतनी हिम्मत, तू तो मेरा बेटा कहलाने के लायक नहीं। निकल जाए मेरे घर से, चलो निकल जाओ।